I am here with exercise, objective exercise related to English grammar. इसी प्रकार के क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर में फाउंडेशन कोर्स में आपके पूछे जाते हैं. इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रिया फॉरगेट बैग इन द प्लेग्राउंड. रिया अपना पर्स भूल गई. तो जब किसी लड़की के लिए बात करते हैं हम तो यहाँ पे होता है हर इज. रिया फॉरगेट हर बैग इन द प्लेग्राउंड. बिलोंग टू द मोस्ट इंटेलिजेंट ग्रुप ऑफ बॉयज. अब बॉयज की जब बात चल रही है तो यहाँ पे हम ही का यूज करेंगे. ही बिलोंग्स टू द मोस्ट इंटेलिजेंट ग्रुप ऑफ बॉयज. सी लड़कियों के लिए यूज होता है और इट जो होता है मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है. सिमरन इज टेकिंग डांस क्लास एट होम. अब फिर यहाँ पे सिमरन लड़की है तो एट हर होम अपने घर में कर रही है तो इसके लिए हर लगेगा. रितिका इज हेल्पिंग ब्रदर इन क्लीनिंग देयर. तो जो रितिका है तो रितिका इज हेल्पिंग हर ब्रदर. हर ब्रदर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. किड्स आर ईटिंग लंच. किड्स यानी छोटे बच्चे हैं वो अपना लंच कर रहे हैं तो यहाँ पे एक करेक्ट होगा देयर लंच. यानी देयर मतलब उनका. यस्टरडे एट पॉपकॉर्न बाइल वॉचिंग यस्टरडे आई. यहाँ पे जब सब्जेक्ट के रूप में आई का यूज करते हैं और माई सेल्फ जो होता है वो इम्फेटिक को बताता है, मी पोसेसिव को बताता है. तो सब्जेक्ट स्टडी आई ईट पॉपकॉर्न बाइल वॉचिंग ए. नेक्स्ट द कैट हैज फिनिश्ड द फूड इन. अब जब कैट है तो ये भी फेमिनाइन जेंडर है. इन इन बाउल, इन हर बाउल, हिज बाउल एंड इट्स बाउल एंड इट्स बाउल. So the correct answer is it's bowl. Now question, next question is Gauri opened her umbrella to avoid getting wet. मतलब वर्षा भीगने से बचने के लिए गौरी ने अपना छाता खोला. तो girl है इसलिए यहाँ पे her का use करेंगे. I have a Buddha statue at home. It is brown. इट इज यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट. इट इज ब्राउन इन कलर. इट सेल्फ नहीं होगा, इट्स नहीं होगा, इट इज करेक्ट. आर वियरिंग देयर जैकेट्स एज द वेदर. दे यहाँ पे हो जाएगा दे आर वियरिंग देयर. जब देयर जो होगा पॉसेसिव प्रोनाउन होगा, जब सब्जेक्ट के रूप में दे होगा. दे आर वियरिंग देयर जैकेट्स एज द वेदर इज कोल्ड. राघव इज गोइंग फॉर ए वॉक. सो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे पहले से भर दिया गया है. यहाँ पे इज गोइंग फॉर वॉक तो यानी कि राघव होगा. इसी प्रकार श्रद्धा इज ब्रिलियंट. यहाँ पे इज भरना चाहिए था तो इज पहले से लिखा हुआ है, इज होगा. तो डियर फ्रेंड्स इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके फाउंडेशन कोर्स में पूछे जाते हैं. यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पसंद आए तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.